समय इस समय टीवी देखने में, जो समय हम अपना कोई ना कोई और एक्टिविटी करने में जो लगा रहे हैं वही समय, क्योंकि 24 घंटे तो सब पे ही है, कोई आर्थिक बिजनेस करने के लिए अलग से कोई घंटा थोड़े मिलेगा आपको। 24 घंटे जो आज हैं उन्हीं 24 घंटों में आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैंने भी उन्हीं 24 घंटों में मैनेज किया। जब लोग ऑफिस से घर चले जाते थे मैं उस समय ऑफिस के बाद भी टीम में रहता था। बताइए भाई मैं क्या कर सकता, लोगों को ये रहता था कि यार ये कंपनी के मैनेजर है ज्यादा अच्छा समझाएंगे, लेकिन मैं उल्टा और सीखता रहा हूँ यार ये कैसे कैसे लोग समझाते हैं। ऐसे ही जब आप टीम में रहोगे तो कुछ आप टीम से सीखोगे, कुछ टीम आपसे सीखेगी, क्योंकि कंप्लीट कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई कंप्लीट नहीं है। मैं बहुत चीजें हैं जो पति साहब से सीखता हूँ, सर से सीखता हूँ, यार हर व्यक्ति किसी ना किसी से सीख रहा। तो जब हम एक साथ हो जाएंगे तो हम एक कंप्लीट बन सकते हैं, अलग अलग रहने से तो अलग अलग ही रहेंगे। तो ये कुछ बेसिक काम है जो आप करने हैं। और जैसे कि सर ने टॉपिक इसमें छेड़ा था, मुझे इस बिजनेस में आने से पहले किसी ने एक चीज बताई थी कि इस बिजनेस में रॉयल्टी इनकम मिलती है। रॉयल्टी इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम, इनकम विदाउट यू, आप रहे ना रहे लेकिन इनकम रहे। मुझे बाहर इस इनकम के बारे में जानकारी नहीं थी क्या होगी रॉयल्टी इनकम, क्योंकि आप भी इस बिजनेस को यदि करें तो रॉयल्टी इनकम के लिए करें, यानी कि एक ऐसी इनकम कि कुछ समय काम करने के बाद हमेशा आपके पास आती रहे। क्या आप ऐसी इनकम कमाना चाहते हो? Yes. जिंदगी भर काम करना चाहते हो, कुछ समय काम करना चाहते हैं? Yes. क्योंकि बाकी समय में तो हर समय आज भी लोग काम करता ही है। सर ने एक टॉपिक बहुत बढ़िया एक टॉपिक छेड़ा था कि इस दुनिया में जो सारे लोग हैं, सारे लोग चार तरह के क्वाड्रेंट में पैसा कमाते हैं। वो क्या क्वाड्रेंट होता है? ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। पूरी दुनिया इसी में है। सर सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। आप चेक करेंगे गूगल लैंड पर सब लोग इसी में है। ज्यादातर लोग 90% लोग इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं। आज भी आप किसी से पूछे कि भाई आप अपने बच्चे को क्या करवाओगे, तो कोई पेरेंट्स है ऐसा जो यूं कहते हैं भाई मैं अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाऊंगा? नो। उनके स्कूल में भी ये पढ़ाया जा रहा है पढ़ लिख जाओ नौकरी कर लो, नौकरी तो आप करिए, जब नौकरी इतनी अच्छी होती है तो फिर तो मजे आ रहे हो। 70% लोग इसी कॉन्टेंट में या तो नौकरी कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट, या इसमें नहीं है तो फिर वो यहाँ जाते हैं दुकानदार बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, लेकिन वो उनकी जो दुकान है वही उनकी मालिक है। वो कहती है कि बेटा अगर आप आओगे दुकान खोलोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं खोलोगे तो नहीं मिलेगा। सीए, वकील, डॉक्टर सब इसी कैटेगरी में आते हैं। कितना ही बड़ा डॉक्टर हो क्लिनिक नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं आएगा। ये 10% लोग इधर हैं। सर ने एक टॉपिक छोड़ा था पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ये जो लोग हैं ये कमा रहे हैं एक्टिव इनकम और ये कमा रहे हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम का मतलब हम एक्टिव हैं तो इनकम भी एक्टिव है, और हम एक्टिव नहीं है तो इनकम भी एक्टिव है। पैसिव इनकम हम नहीं भी काम करते तो हमें पैसा आएगा। तो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो सब एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं वहां कहो भैया मैं 10 दिन नहीं आऊंगा, क्या वो आपको सरवाइव करेंगे? कहेंगे भाई देख लो कुछ और व्यवस्था देख लो, तो ऐसी दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ आप ऐसी स्थिति में आ सकते हो। ई फॉर एम्प्लॉय कर रहा है, प्राइवेट सरकारी सभी इसमें आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय में दुकानदार सीए डॉक्टर सब लोग आते हैं। यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं। बी फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का मतलब वो ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कम से कम 50-60 लोग, 100-200-500 लोग काम करते हैं, और ऐसे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं। ये बिजनेसमैन अगर अपने कंपनी में भी ना जाए, अपनी फैक्ट्री में ना जाए, तो इसका काम बंद नहीं होता, कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ ये सिस्टम तैयार कर दिया। ये नेटवर्क मार्केटिंग आज से बिजनेस भी इसी कैटेगरी में आता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो अकेले होते हैं, लेकिन आपके साथ 500 लोग भी होंगे, 5000 भी होंगे और 5 लाख लोग भी होंगे, 50000 भी होंगे। ये लोग अपनी अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे और आपके लिए पैसा आएगा। आज मुझे नहीं पता मेरी टीम में क्या टीम में लोगों ने मैं काउंट किया, लेकिन यहाँ गाजियाबाद में भी लोग सामान खरीदते हैं, अपने अपने घरों के लिए सामान खरीदते हैं। क्या मैंने मुझे क्या कोई पूछ रहा है कि भैया मैं नमक लाऊं या हल्दी लाऊं? जिसे जो लाना ला रहा है मेरे नेटवर्क में है वो,
ऐसे आपके नेटवर्क में कौन है, हम भी किसी न किसी के नेटवर्क में है, चाहे वो टाटा के नमक खरीदते हैं उसके नेटवर्क में हो, चाहे हम जियो की सिम यूज कर रहे हैं उसके नेटवर्क में हो, कुछ ना कुछ तो हम यूज कर रहे हैं, ऐसे हमारे नेटवर्क में कितने लोग हैं ये हमें देखना है। अगर मैं बड़ी इनकम और पैसिव इनकम कमानी है तो हमें अपने नेटवर्क में लोगों को लाना होगा। हाई फॉर इन्वेस्टर जिन लोगों के पास करोड़ों करोड़ रुपए होते हैं वो पैसा लगा देते हैं, उस पैसे को लगाने के बाद उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पैसा आता है। तो यहाँ हम लोग यहाँ या यहाँ किस कैटेगरी के लोग हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम किस कैटेगरी में जाएं, तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे आम व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई फैक्ट्री या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म यदि करेंगे तो उसके लिए पैसे की जरूरत चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं चाहिए। आप अगर अपने घर का नमक खरीद रहे हैं तो नमक तब भी आप खरीद रहे हैं और अब भी आप खरीदेंगे, और उसी डिब्बे में आपको रखना है, कोई अलग से गोदाम नहीं लेना। क्यों जी चेतराम जी, अगर आप आरसीएम का नमक लाओगे तो कोई दुकान खरीदनी पड़ेगी, अलग से नहीं, उसी डिब्बे में रखना। तो ये सिंपल काम करना है, लेकिन अगर आपने ये सिंपल काम कर दिया तो आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, आप एक ऐसी इनकम कमा सकते हो कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, कैसी भी सिचुएशन में रहो, इनकम हमेशा आपके परिवार को आएगी। और ये इनकम भी ऐसी इनकम है जो नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होती है, आप जब तक जिंदा रहोगे वो इनकम आपके नाम आएगी, आप जिस दिन इस दुनिया से जाओगे वो इनकम ऐसे दिन ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस में एक ऐसी इनकम आती है जैसे राजा का बेटा क्या बनता है, राजा क्या बाहर ऐसा है, आप अपनी कंपनी के सीईओ भी बन जाओगे ना, आपके बेटे को अधिकार नहीं है कि वो सीईओ से चालू करे, वहां उसे अपनी योग्यता के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अगर आप कंपनी का कोई भी अचीवर बन जाते हो, रॉयल्टी अचीवर बन जाते हो, टेक्निकल अपराध स्टार अपराध कुछ भी बन जाते हो, तो आपका नॉमिनी वहीं से शुरू करेगा। क्योंकि मान लो आपने 10 साल किसी का इस कंपनी में काम किया और आपको मान लो 1,00,000 रुपए महीने की इनकम आ रही है और कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहता, तो क्या उसके घर में अगले महीने नमक नहीं लगेगा, हल्दी धनिया मिर्च मसाला तो बेसिक सामान नहीं ला सकता क्या वो परिवार, लाएगा तो ये पैसा भी उसके घर में आता रहेगा, क्योंकि परिवार चलाने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसा रेगुलर आरसीएम से आ रहा है, और तो उसका परिवार इस बिजनेस को चला सकता है नहीं चला सकता। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम है और बहुत शानदार काम है, क्योंकि यहाँ सब लोग हम मिलकर काम करते हैं एक दूसरे की सपोर्ट करके, तो बड़े से बड़ा बड़ी से बड़ी इनकम जो हमें लगती है ये पॉसिबल नहीं है, वो भी यहाँ अचीवेबल है। तो सब लोग इस काम को कर सकते हैं, लगातार इस तरह की जो भी वीकली मीटिंग है वहाँ आप लोगों को बुलाइए, और मार्केटिंग प्लान जो मोदी सर ने दिया है बहुत जबरदस्त ताली सर के लिए, ताली बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि नींद आ जाती है बैठे बैठे, तो नींद भगतने का भी एक कारण है कि एनर्जी बनी रहती है। तो वो जो मार्केटिंग प्लान है कस्टमर टू कंपनी कनेक्ट करने वाले जो मार्केटिंग प्लान है वो हमें इंडिविजुअल खुद भी सीखना है, क्योंकि यदि हम सीखेंगे तो हम किसी को बता भी सकते हैं, वरना यही रहेगा कि वो निरंजन जी आओ समझाओ या नरेंद्र जी आओ, अब ये भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी बिजी हो सकते हैं। तो जो भी मार्केटिंग प्लान है आप एट ए टाइम अपने कोई भी कस्टमर है उसे आप बता सकते हैं, बहुत इजीली प्लान है, कोई इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। सबसे पहला प्रोडक्ट यूज करवाइए उस व्यक्ति को, अगर प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को अच्छा लग जाएगा तो वो जिंदगी भर खरीद सकता है, ठीक है। yes, सबसे पहला कोई भी व्यक्ति को आर्थिक बिजनेस के बारे में नहीं बताना है तो उसे पकड़ के लाओ बाजार पे और सामान खरीदवाओ, और वो भी अपने कार्ड पे, और उससे कहो कि भैया अगर सामान अच्छा लगे तो अगली बार जोड़ने की बात आपसे करेंगे, सामान अच्छा न लगे तो आप जहाँ थे वहीं जाओ, हम जहाँ हैं वहीं रहें। क्योंकि जो व्यक्ति सामान को पसंद कर लेगा वो आपको भी पसंद कर लेगा, क्योंकि लोगों को काम क्या है यहाँ पे, सामान खरीदना, और सामान आदमी को अच्छा लगेगा तो रेगुलर लेगा, तो सामान खरीदवाइए उन्हें, और अगली बार बता दो भैया अगली बार जब सामान अच्छा लगेगा तो आपको 2,000 की खरीदारी करवाएंगे और आपका कार्ड बनवाएंगे, ठीक है जी, करवा सकते हैं जी सामान।